नमस्कार, मैं भावना स्वागत करती हूं आपका आज तक 24 न्यूज में। आइए करते हैं आज की ताजा खबरों की शुरुआत। संकुल स्तरीय TLM मेले में शिक्षकों ने विभिन्न विषयों पर सामग्री की प्रदर्शनी लगाई। बच्चों को प्रदर्शनी के माध्यम से गणित, हिंदी, अंग्रेजी विषय समझने में आसानी होगी। स्थानीय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में संकुल स्तरीय TLM मेला का आयोजन गुरुवार को किया गया। मेले का शुभारंभ BRC राजेश गुप्ता ने किया। जन शिक्षक पवन साहू ने बताया कि 39 विद्यालयों के माध्यम एवं माध्यमिक स्तर के शिक्षकों ने विभिन्न विषयों की अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कई उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई। प्राथमिक स्तर पर गणित, हिंदी, अंग्रेजी विज्ञान और अन्य विषय मॉडल के माध्यम से बच्चों को सरल शिक्षा देने के लिए यह प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रदर्शनी की संस्था के बच्चों ने अवलोकन भी किया। मेले के दौरान शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा मैजिक बोर्ड, चल चरित्र कविता, तितली पर पाठ्यक्रम सामग्री, डिजिटल इंडिया, आओ ज्ञान बढ़ाए आदि शिक्षक सामग्री बनाकर लाए थे। TLM मेले में BRC कार्यालय से BSc नवीन गुप्ता, रूम टू रीड के ब्रजेश जोशी उपस्थित रहे। प्रथम एवं द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले शिक्षकों को प्रमाण पत्र वितरण कर शिक्षा केंद्र प्रभारी MS शेख एवं जन शिक्षक सुरेश नेगवाल, पवन साहू, कपिल सोलंकी के द्वारा किया गया। सर, क्या रहा यहाँ पे आज, किस प्रदर्शनी का मेला लगाया गया और क्या रहा पूरा कार्यक्रम? सर, जन शिक्षा केंद्र स्तरीय मेला सब प्रतियोगिता का आयोजन जन शिक्षा केंद्र जुलवानिया में किया, जिसमें सभी शिक्षकों द्वारा TLM बनाकर बच्चों को पढ़ाने के उपयोगिता के माध्यम से बहुत अच्छा सभी ने प्रदर्शन किया है। और प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान के लिए हेमलता गुप्ता, मुजालदे सर और लाल भाई भास्कर, इन तीनों को पुरस्कृत किया। प्रोजेक्ट बना कर लाए थे शिक्षक और? हाँ, प्रोजेक्ट भी बना के लाए और चार्ट भी बना के लाए हैं। और इससे क्या आसानी होगी बच्चों को पढ़ाने में? बच्चों को ये सहायक सामग्री होती है तो इससे बच्चे जल्दी से और आसानी से प्रायोगिक तरीके से समझ पाते हैं। संवाददाता हुसैन सैफी की रिपोर्ट। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।